श्रोमणी अकाली दल अमृतसर दे प्रधान सिमरनजीत सिंह मान, संसद मेंबर मरहूम अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिडारी संदीप नंगल अंबिया दे गृह पिंड नंगल अंबिया शाहकोट विखे पुजे। इस मौके जिथे उन्हां परिवार नाल संदीप दी मौत दा दुख प्रगट कीता, उथे ही पंजाब दी आप सरकार ते पुलिस प्रशासन दी कारगुजारी ते कई सवाल खड़े कीते। संदीप नंगल अंबिया दे कतल बारे परा अंग्रेज सिंह ने सरदार मान नूं सारे घटनाक्रम तो जाणू करवाउंदिया कहा कि एक साल तो उपर समा बीतण दे बावजूद भी परिवार नूं इंसाफ नहीं मिल सकिया। कदे परिवार दी सुरक्षा वापस ले ली जांदी है। मास्टरमाइंड असी पुलिस नूं दस चुके हां, पर ओ पुलिस दे हाथ नहीं चढ़ सके। कतल करवाउण वाले अमरीका, कैनेडा ते एक भारत दे रहण वाले हन, जो कई वार पंजाब च वी शरेआम घूमदे हन। इस मौके संसद मैंबर सिमरनजीत सिंह मान ने हैरानी प्रगट करदिया कहा कि पंजाब दे तीन नामवर नौजवान दीप सिद्धू, सिद्धू मूसेवाल ते संदीप नंगल अंबिया दे कतल होण दे बावजूद पुलिस दे हथ खाली हन। संदीप नंगल अंबिया नूं बहुत वड्डी साजिश तित मार दिता गया। उन्हां कहा कि विदेशां च तां कि भारत रहण दे दोषी भी नहीं फड़े जा रहे। इन्हां नौजवानां दी मौत होण नाल पंजाब ते भारत दी बदनामी विश्व पद्धर ते होई है। जेकर पंजाब पुलिस ये मसले हल नहीं कर सकती तां केस नैशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA नूं दे देना चाहीदा है। इस मौके उन्हां SSP जलंधर देहाती नूं भी मौके ते फोन करके सारी स्थिति बारे पता कीता अते कहा कि SSP ने भरोसा दिता कि सारा मामला वो अपने हाथ च लैणगे। इस उपरंत सिमरनजीत सिंह मान, संदीप नंगल अंबिया दी याद च उह सारे यादगारी पार्क च पहुंचे अते संदीप नूं श्रद्धांजलि भेंट करन उपरंत पिंड वासियां नूं भरोसा दिता कि ओ हर तरह परिवार नूं इंसाफ दिवाउण लई यतन करनगे। इस मौके उन्हां नाल सीनियर आगू जथेदार सुलखण सिंह, पार्टी उम्मीदवार गुरजंट सिंह कट्टू, किसान विंग दे जिला प्रधान परमजीत सिंह पम्मा, सरपंच सुखदेव सिंह आदि हाजिर सन। शाहकोट मलसिया तो साहबी दासी के शाहकोटी अनिल कुमार बोबी दी खास रिपोर्ट। मैनू पता लग्या सी जी कि ये बहुत मशहूर खिडारी सीगा भाई संदीप सिंह, ते बहुत शरीफ आदमी सीगा, गरीबां दा ख्याल रखदा सीगा, अपनी टीम दा भी ख्याल रखदा सीगा, ते गृहस्थ दे विच सीगे। इन्हां दे बच्चे भी बड़े सोहणे है, ते हुण बेचारे सारे विलायत चले गए है, क्यों करके सरदार संदीप सिंह नूं बहुत साजिश दे नाल, चलाकी दे नाल 2022 दे विच जानू मार दिता सीगा। हुण पूरा साल हो गया है, पर अजे तक तफ्तीश ढिडली मट्ठी हैगी है, ते जिहड़े कातल हैगे है, अज मैं SSP साहब नाल भी गल कीती है कि एक अमेरिका च हैगा, एक कैनेडा च हैगा, ते एक चट्ठा हैगा जिहड़ा इत्थे ही हिंदुस्तान दे विच हैगा, ते जिहड़ा हिंदुस्तान दे विच हैगा उहनूं तां फड़ लेणा चाहीदा, ते दूसरे जिहड़े हैगे एक मान हैगा, एक सरबजीत थेड़ा वो जां कैनेडा जां अमेरिका च है, उहदे एक्सट्रेडिशन दे लई कागज भरे है कि नहीं। ते SSP साहब ने कहा कि जे इहो जिहे हालात हैगे है, मैं आप साहब ने कि अजे इहनूं साल तो ज़्यादा हो गया ते अजे बंदे फड़े नहीं गए हैगे, ते जिहड़ा चट्ठा हैगा वह तो इंडिया दे विच उह फिर नहीं फड़िया जांदा। ये सारा ये मूसेवाल साहब नूं, फिर दीप सिंह सिद्धू नूं, फिर इन्हां नूं इस तरह मार देना, ये पंजाब ते इंडिया की बदनामी बहुत है। तो मैं समझदा कि जे पंजाब पुलिस नहीं कर सकती, फिर NSA नूं लेना चाहिदा है, क्यों करके ये बहुत वड्डा कतल का केस है। तो ये जिहड़ियां इहदियां जिहड़ियां टेंटिकल्स जां जिहड़ा कहिंदे आ जड़ां, ਉਹ ਅਮੈਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ NSA ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ NSA ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇਹ ਮੇਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟਿਕੂਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਐਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਮਗਾਰਡ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 303 ਰਾਈਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ 9mm ਪਿਸਤੌਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ AK-47 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੇਸ ਬਣ ਜੂ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੂਸੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ।